हर हर महादेव दोस्तों, इस समय आप दर्शन कर रहे हैं श्री केदारनाथ बाबा का, जहाँ की दिवाली की डेकोरेशन हो चुकी है। आप देख रहे हैं एक तरफ बम बम भोले हर हर महादेव की आवाज सुनाई आपको दे रही होगी। इस समय देख रहे हैं केदारनाथ में कितनी भीड़ लगी हुई है और बहुत स्नोफॉल बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन हम मंदिर के पास हैं तभी। हर किसी का सपना होता है कि जीवन में एक बार जरूर करें, लेकिन केदारनाथ हर कोई जा नहीं पाता है क्योंकि एंड वक्त पे सबके प्लान कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि सबका बनता है प्लान तो कभी दोस्तों के साथ या तो फैमिली के साथ। तो आप मेरे साथ सोलो यात्रा कैसे कर सकते हैं, तो चलिए इस वीडियो में आपको बताती हूँ। तो इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं आपको संपूर्ण जानकारी कि आप केदारनाथ धाम कैसे पहुँचे, वहाँ पे कहाँ रुकेंगे और क्या किराया रहेगा, और जहाँ पे स्टे आप करेंगे, और इस समय मौसम का क्या हाल है केदारनाथ धाम का। आपको बता दें कि केदारनाथ यात्रा के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना पड़ेगा हरिद्वार। हरिद्वार से आप अपनी यात्रा को स्टार्ट कर सकते हैं। हरिद्वार पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले हर स्टेट से आने वाली ट्रेन आपको हरिद्वार पहुंचाती है। आप हरिद्वार जाएं, चाहे ऋषिकेश जाएं, चाहे देहरादून, पहुंचकर अपनी यात्रा को शुरुआत कर सकते हैं। तीनों जगह से आप केदारनाथ की यात्रा बस से हो की सेवा से उपलब्ध मिल जाती है, लेकिन सबसे बेहतर तरीका हरिद्वार से है केदारनाथ की यात्रा करने के लिए। इसलिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना होगा और हरिद्वार से ही आप अपनी यात्रा स्टार्ट करिए। खुद पीछे दिख रहा होगा कितनी रश है यात्रा का। देवप्रयाग में संगत देखने को मिलेगा और आगे बढ़ते बढ़ते आपको धारी देवी का भी दर्शन होगा। धारी देवी जो पूरे उत्तराखंड की रक्षा करती है, आप इसी तरह का सीन देखते हुए बस से आप अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं और गौरीकुंड आप पहुंच सकते हैं। तो ये है सोनप्रयाग का रास्ता। यहाँ पे आपको बहुत सारे होटल मिल जाएंगे और यहाँ पे क्लॉक रूम भी मिल जाएगा। आपकी यात्रा सोनप्रयाग से ही स्टार्ट होती है। सोनप्रयाग से में आपको टैक्सी मिल जाएगी, अब वहीं से आपको टैक्सी से जाने के लिए गौरीकुंड का रास्ता मिलेगा। तो चलिए बढ़ते वीडियो। तो गाइस, एक और पड़ाव की ओर हम पहुंच चुके हैं। यहाँ देखिए सामने मंदाकिनी बह रही है और सामने टैक्सी लगी है गौरीकुंड के लिए। तो हमें वहाँ पे जाना है और वहाँ की चार्जेस है 50 रुपया, जो गौरीकुंड हमें टैक्सी लेके जाएगी। आप चाहे तो पैदल भी कर सकते हो, ज़्यादा पैदल यात्रा नहीं है। तो हम देखते हैं जैसा बनता है उसी चलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। यह है सोनप्रयाग का टैक्सी स्टैंड, जो कि अभी खाली है, काफ़ी भीड़ नहीं है, लेकिन यात्रा स्टार्ट होने के बाद इस स्टैंड में मारा मार लग जाती है, इतनी भीड़ हो जाती है। सो और यहाँ यात्रा गेट का मेन स्टार्ट चालू होता है। जब भी केदारनाथ की यात्रा स्टार्ट करें तो सबसे पहले गौरा मैया का आशीर्वाद लेकर ही आप अपनी यात्रा स्टार्ट करें। गौरा मैया के ही मंदिर से ही आपको डोली यात्रा भी ऊपर केदारनाथ की ओर जाते हैं। तो आपको बता दें कि जब भी आप आइए तो गौरा मैया का आशीर्वाद ग्रहण करिए और गौरीकुंड में जाके स्नान भी करिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ी चढ़ाई मिलेगी आपको केदारनाथ यात्रा में। ये कंप्लीट आपको लिखे रहती है 18 किलोमीटर, लेकिन रहती है 23 किलोमीटर। आपको सामने दिख रहा होगा रामबाड़ा, जो कि केदारनाथ में 2013 में आपदा का सबसे बड़ा मतलब भयानक रूप यहीं पे देखने को मिला था। सारी बिगड़ गई थी आपको यहाँ। जब आप केदारनाथ में क्लोजिंग सेरेमनी या दिवाली में आते हैं तो आपको दिखेगा कि यहाँ 17 क्विंटल के फूलों से सजा होता है श्री केदारनाथ धाम के मंदिर को। बहुत ही सुंदर सजाया जाता है और पूरे मंदिर को और पूरे प्रांगण को बहुत ही खूबसूरत भव्य तरीके से फूलों से सजाया जाता है। ये आपको सजाने का काम 2 दिन पहले से धनतेरस से स्टार्ट हो जाता है। हमने भी इसमें यात्रा में जब हम पहुंचे धनतेरस के पहले दिन, तो हम वहां भी देखे फूल से बहुत सजाया जा रहा था, तो हम लोगों ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया और बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही खूबसूरत तरीके से केदारनाथ धाम को सजाया गया था। केदारनाथ बाबा की भाई दूज के दिन कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 6 महीने के लिए केदारनाथ धाम के कपाट क्लोज हो जाते हैं।
हम केदार बाबा का दर्शन रात ही में कर चुके थे। सुबह जब आँख खुली तो देखे इतनी लंबी लाइनें लगी हुई थी, कम से कम 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी केदारनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए। तो आप ध्यान रखिएगा, आरती के समय आप दर्शन करने नहीं जाएं और लंबी लाइनें भी नहीं लगे, क्योंकि लाइन लगने से ना बहुत लंबा लाइन लग जाता है। आप जितना हो सके शाम में दर्शन करिए, या तो सुबह में ही जल्दी ही उठ के आप दर्शन कर लीजिए, क्योंकि केदारनाथ बाबा का दर्शन करने के लिए सुबह मॉर्निंग में जो लंबी लाइनें लगती है, बहुत देर तक लंबी लाइनें लग जाती है। हम दर्शन करके उस समय चले गए आपको बैकुंठ बाबा का दर्शन करने के लिए, जो कि वहाँ से ऊपर आपको 1 किलोमीटर का रास्ता पड़ता है, केदारनाथ धाम के पास से बगल से रास्ता पड़ता है। वहाँ से दर्शन करके आप जितना जल्दी हो सके ना केदारनाथ धाम से नीचे की ओर सोनप्रयाग की ओर चले जाइए, क्योंकि केदारनाथ धाम में ना मौसम हो जाता है कभी भी चेंज। और फिर आप दर्शन करने के लिए चल जाइए आदि शंकराचार्य जी का मंदिर, जो कि वहाँ केदारनाथ धाम के मंदिर के पास से पीछे में ही भीमशिला जो है, भीमशिला के पास से ही आगे जाने का रास्ता है। भीमशिला वही पत्थर है जब प्रलय आया था तो मंदिर के ठीक सामने आके खड़ा हो गया था भीमशिला। कहते हैं कि यही भीमशिला के कारण आज केदारनाथ मंदिर सुरक्षित है। तो हम दर्शन करके आपको चले गए दर्शन करने के लिए आदि शंकराचार्य जी का। और अभी इस समय ना मौसम पूरा खुल गया था, और थोड़ी देर पहले इतनी बर्फबारी हुई थी और कल रात में भी बर्फबारी हुई थी, तो मौसम यहाँ केदारनाथ धाम में बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। इसीलिए आप ध्यान रखिएगा, अगर आप शाम तक पहुँच गए तो वहाँ पे टेंट ले लीजिएगा, आपको 600 या 700 रुपये में टेंट मिल जाती है, और वहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था रहता है। आप 600-700 में आपको आराम से वहाँ पे टेंट में रुक सकिएगा, आपको एक स्लीपिंग बैग भी मिल जाएगा, आराम से आप रह सकते हैं। और सुबह उठिए जल्दी से, स्नान करके आप मंदिर का दर्शन करके नीचे की ओर चले जाइए, क्योंकि मौसम बिगड़ने के बाद ना फिर आप फंस जाइएगा, और जितनी जल्दी नीचे जाने की यात्रा करेंगे ना आप जल्दी पहुँचेगा। हम पहुँच गए समय रेतस कुंड। देखिए यहाँ पे क्या होता है, सामने आपको रेतस कुंड दिख रहा है। कहते हैं कि यहाँ पर जितनी ताकत लगा के हर हर महादेव बोलो तो पानी से बुलबुले निकलते हैं। तो मैंने भी बहुत कोशिश की और हर हर महादेव बोला, तो लास्ट में फाइनली मुझे भी बुलबुले दिखे। मान्यता है कि जितनी शक्ति होती है उतने लगाइए तो जरूर बुलबुले निकलते हैं। केदारनाथ मंदिर के जस्ट पहले एक छोटा सा मंदिर है, यहाँ के बारे में बोला जाता है कि जब आप मंदिर के द्वार पे खड़ा होकर हर हर महादेव बोलेंगे पूरी जोर से, तो अंदर में जो पानी है उसमें बबल्स निकलते हैं। यहीं से सामने ऊपर आपको दिख रहा होगा बैकुंठ बाबा का मंदिर, जो कि भैरव बाबा का मंदिर कहते हैं। आपको सामने ऊपर दिख रहा होगा भैरव बाबा का मंदिर। ये धनतेरस के दिन बंद हो जाते हैं। बैकुंठ बाबा कहते हैं कि पूरा उत्तराखंड में के बैकुंठ बाबा रक्षक होते हैं। सबसे पहले बैकुंठ बाबा का आपको निमंत्रण दिया जाता है केदारनाथ यात्रा से पहले। यहाँ की मान्यता ये भी है कि अगर आप बैकुंठ बाबा का दर्शन नहीं करिए तो आपको केदारनाथ बाबा का यात्रा अधूरा रह जाता है। सबकी अपनी अपनी कहावत है और सबकी अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन यहाँ बोलते हैं कुछ तीर्थयात्री, तो हम लोग भी गए थे दर्शन करने। हम दर्शन करके नीचे की ओर जा रहे थे तो अचानक मौसम हो गया चेंज और पूरी वैली इस समय बर्फ़ की चादर से ढक गई। पूरा बर्फबारी, अचानक से स्नोफॉल होने लगा। तो आप जब भी यात्रा करने के लिए अगर आएँ, केदारनाथ यात्रा करने के लिए आएँ, तो आप अपने साथ अच्छे वाले शूज़ ज़रूर लेके आइएगा, रेनकोट लेके आइएगा और गर्म कपड़े, जो कि आपको ऊपर -1 डिग्री में काम कर सके, तो उस तरह के आप गर्म कपड़े ज़रूर अवश्य रखिएगा, और एक जोड़ा कपड़ा ज़रूर एक्स्ट्रा रखिएगा, क्योंकि अचानक मौसम चेंज हो जाता है, तो कभी आपके कपड़े मतलब यात्रा करने में भींग भी जाए तो आप उस कपड़े को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यात्रा आपको बहुत बड़ी है। और केदारनाथ यात्रा करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर पे आप यात्रा करते जाइए और रुकते रुकते ही जाइए, क्योंकि नीचे उतरने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। हम लगभग 11 बजे नीचे चलने के लिए स्टार्ट किए थे और 11 बजे से यात्रा करते करते हम शाम के पहुंच गए आपको 8 बजे करीब नीचे। इसके बाद की वीडियो हम शूट नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पे हमारी बैटरी पूरे मोबाइल की ख़त्म हो चुकी थी। यात्रा करने में हमें बारिश का भी सामना करना पड़ा और ऊपर हमारी मोबाइल की बैटरी पूरी ख़त्म हो चुकी थी। तो जितना हो सके मैंने दिखाया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।